हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आज आप सबका अपने हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर, क्योंकि पिछली बार हमें मौका नहीं मिला था अंदर घूमने का, तो हमारी फाइनली टिकट हो चुकी है। तो हम जा रहे हैं आज चिड़ियाघर और हम सब लोग तैयार हो चुके हैं। प्रियंका भी, मैडम भी, और ये हमारा चीकू भी। तो आपसे मुलाकात करते हैं चिड़ियाघर में। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो मिस मत करना। क्यों चिकू? ये हमारे लड्डू गोपाल जी की। राधे राधे, अर्जुन राधे राधे कर दे। अर्जुन बस उसकी एक्साइटमेंट तो कुछ अलग ही होती है। चलो फिर मुलाकात करते हैं वहीं। Baby, can you pray, pray tonight? Baby, can you pray, pray for us? Oh, baby, can you pray? It's every time you make them time. It's only to the end. So pray tonight. So you won't हम जा रहे हैं आज चिड़ियाघर। अर्जुन को इसलिए लाया कि वो सोने का टाइम हो गया उसका और वो तंग करता ज्यादा, सोचा कि आज उसके बिना घूम ले। जानी जी बाइन करता ज्यादा कि वहाँ ज्यादा पैदल घूमना पड़ता है, फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। मतलब कि 10-15 मिनट तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो वो फिर आफत मचाता है। ये तो तुम्हारा, तुम भी तो बोल सकते थे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट के पास में राष्ट्रपति भवन आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। अब बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही साफ सफाई, और देश की राजधानी है। तो यहाँ काफ़ी दिनों बाद आए हैं, सोचा रास्ते में पड़ता है चिड़ियाघर से पहले, तो सोचा यहाँ पर भी देख लें थोड़ा सा। और काफ़ी लोग आए हैं, उधर भी हैं। और ये वाला रूट सामने वाला बंद कर रखा है इन्होंने, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर से हमें दोबारा यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, फिर पीछे से लेफ्ट में आगे जाना पड़ेगा। तो अब हम चल रहे हैं चिड़ियाघर, आपसे मिलते हैं चिड़ियाघर में, मुलाकात करते हैं आपसे वहीं। हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर। तो जैसे कि अभी हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है रोड के ऊपर, बहुत ज़्यादा जाम है। जाम होने का दूसरा कारण भी है कि साथ में प्रगति मैदान है, तो वहाँ पे मेला लगा हुआ है। और आज चिड़ियाघर में बहुत ज़्यादा भीड़ ये पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज हमारे तो हमें इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। हम मैं दिखाता हूँ आपको ये भीड़ कितनी ज़्यादा है, देखिए लोगों की लाइन। ये देखिए, ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये पार्किंग का एरिया है, और गाड़ियों की पार्किंग, एक फसाटस गाड़ियां भरी पड़ी हैं यहाँ पे। मेरे चारों तरफ भीड़।
इतनी संख्या में लोग आए हैं बच्चों के साथ। ओह माय गॉड, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर के अंदर। ओह सॉरी बेटा, ये है बतख ब्लैक कलर में। ये आप देख पा रहे होंगे, जो लोग अंदर पैदल नहीं चल पा रहे तो यहाँ लाइन लगी हुई है, तो बैटरी रिक्शे के जरिए अंदर चिड़ियाघर में घूम सकते हैं आराम से। तो लोग जा रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं पैदल ही अंदर चिड़ियाघर में घूमूंगा, तो इस तरह से देख रहे हैं। और ये लोग हमारा वेट कर रहे हैं। अगर आपको जू के अंदर घूमना है तो ये मैप बना हुआ है अंदर का, कि आपको कैसे एंट्री करनी है और कहां कहां से किस रास्ते से आपको जू के अंदर घूम करके वापस आना है, तो ये मैप है। जब भी आप आए तो इस मैप का आप मैप को देख सकते हैं और इसकी हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ कंटिन्यू फोटो सेशन चल रहा है, तरह तरह के पोज। कैमरामैन ये है, बस ये कुछ अलग नए अंदाज में हेमा मालिनी। और ये आप देख सकते हैं ये नील गाय है, यहाँ पर दो हैं, एक उस साइड है, उस साइड, और 6-7 उधर धूप सेक रहे हैं। ये देखिए आप, और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ नील गाय को देख रहे हैं। ये देखिए धूप का आनंद लेते हुए। ब्लैक कलर का ये हिरन टाइप का है, लेकिन है नील गाय, ये पहली बार देखने को मिला है। और ये है बगुला, ये है बगुला, कितना सुंदर लग रहा है। वाह कैसे देख रहा, देख आजा आजा आजा, कौन कौन कौन, कुछ बगुले पेड़ में बैठे हुए धूप सेक रहे हैं। और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। वाह, ब्लैक कलर का बंदर दिखाई दे रहा है, कालू लाया काला बंदर, कालू मदारी लाया काला बंदर, अब कालू काला बंदर लाएगा ना, वो अपने पूर्वजों को ढूंढ रहा है कि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे, तो अकेला ही है बेचारा। और जब भी मैं आया पिछली बारी तो इसी में बैठा हुआ था। बोनट मंकी, बोनट बंदर पेड़ से नीचे कर रहा है। इस बंदर का पेट ना नीचे लटका हुआ है, बुढ़ा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसको क्या कहते हैं, कुछ हो गया, बीमारी लगी है।
ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारे हिरण हमारे यहाँ, इसको काकड़ भी बोलते हैं गढ़वाल के अंदर, और ये हमारे यहाँ बहुत दिखाई देते हैं जंगलों में, और इससे बहुत ज़्यादा संख्या में। ये जो दिखाई दे रहा है तो ये भैंस टाइप का ही, लेकिन इसकी प्रजाति अलग है। तो काफ़ी पैदल चल चुके हैं और पाँव भी दर्द कर रहे हैं, और मैडम लोग भी अपनी मस्ती में। हाँ जी, आप कौन सी यात्रा में जा रहे हैं? ये लोग कौन आए हमारे साथ आज? घोड़ा देखते हैं। अच्छा, तुम्हें थकान लगी? घोड़ा नहीं देखा, नहीं आज घोड़ा देखा। आ जाओ, फटाफट आ जाओ।
आज पैदल चलने वाला मजा आ रहा है ना। संडे को पैसा वसूल हो गया, तुम लोगों को चेहरे देख, अरे क्या चक्कर है, चेहरे को देख के लगा कि खुश नहीं हो तुम यहाँ आ गए हैं। ये आगे चुपचाप कौन जा रहा है? हाँ जी बोलिए, ये आगे कौन जा रहे? आगे वो लोग हैं जो ब्लॉक से आना नहीं चाहते। अच्छा ये आगे एक झील और शायद यहाँ कुछ दिखे, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और ये है हिप्पो, और ये इंसानों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं, शायद इनको शर्म आ रही है, ये शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे किसी को। बच्चे होंगे ये, ज्यादा कुछ ज्यादा सुंदर है क्या इसलिए अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं? ये दरियाई घोड़ा है वो, दरियाई नाम ही ऐसा। अरे भाई बहुत शर्मीले हो तुम लोग, बाहर निकलो। अरे मुंह दिखाई देनी पड़ेगी इनको, अंदर घुस गया भाई। हाँ वो कह रहे तुम लोग ज्यादा नजर लगा रहे हैं। तालकाए दो हाथी और उनको नहलाया जा रहा है, और ये हाथी के असली दांत जो आगे का हिस्सा है उसको काट दिया गया है, और काफी से लोग हाथियों को बड़ी उत्सुकता के साथ निहारते हुए। देखो हाथी को नहाने में मजे आ रहे, वाह, अरे वाह, ये तो काफी हष्टपुष्ट है, अरे वाह, इसको चारा अच्छा दे रहे भाई। सफेद टाइगर, वाह, और ये है शुतुरमुर्ग, पहला वाला इधर है, दूसरा वाला इधर है, देखिए वो अपने आप को खुजला रहा है, उसको खुजली बहुत हो चुकी है, और दूसरे वाले को भूख लगी है तो अपनी भूख मिटा रहा है, इसकी भूख पूरी हो चुकी है, खाना खा चुका है, और अपने साथी की तलाश में आगे को निकल रहा है। वाह, दूसरा वाला वहाँ बैठा पड़ा है, दुबका पड़ा है, उसको खुजली ज्यादा हो रही है, अभी तक खुजला रहा था। और इसको भी खुजली हो चुकी है, दीवार पे लग गया वहाँ, वहाँ देखो पेड़ के पीछे लग गया वो भी, मतलब खुमचे ढूंढ। अबे आ जा आ जा, ये एक चोट मारेगा ना हड्डी टूट जाएगी, इतनी तेज मारते हैं। अरे पूरा मत खाइए, उसको भी छोड़ जाइए थोड़ा सा। और चिड़ियाघर के आखिरी में एग्जिट होने से पहले ये पानी का फव्वारा, और काफी सारे लोग फव्वारे की फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए।
और धीरे धीरे सारे लोग चिड़ियाघर से बाहर जाते हुए ये तो चिड़ियाघर की आज आखिरी फोटो वीडियो तितली के साथ।